जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, उन्होंने भारतीय एयरटेल की जो रेटिंग है उसे ओवरवेट की है, ठीक है। और एज पर दैट आने वाले दिनों में टारगेट क्या देखने मिलेंगे, और वो है ये। पहले मैं जो काम की चीजें बस उसे पढ़ लेता हूँ। मॉर्गन स्टैनली हैज गिवन ओवरवेट रेटिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनी भारतीय एयरटेल, स्टेटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट इन इट्स अफ्रीका मोबाइल मनी, एयरटेल भारतीय एयरटेल का जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका मोबाइल मनी में, वॉज अ वैल्यू अनलॉकिंग स्टेप। वो वैल्यू अनलॉकिंग का स्टेप था, और ब्रोकरेज के हिसाब से, मतलब मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, एक प्राइस टारगेट है 760 आने वाले समय में। जी हाँ, 760 रुपए के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप लगभग 2,75,342 करोड़ का, शेयर की पीई शून्य और फेस वैल्यू ₹5, और कर्ज जो है कंपनी के ऊपर 82,363 करोड़। 52 वीक लो 394, 52 वीक हाई 623, आज का लो ₹500 और आज का हाई ₹525, और स्टॉक अभी 501 के पास सेटल्ड है। शेयर होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स के पास 56.23%, फिर DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक 21.78%, फिर FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक 17.75%, और बचा हुआ हिस्सा पब्लिक के पास 4.24%। प्रमोटर्स की होल्डिंग को अगर देखें तो पिछले 5 क्वार्टर्स में प्रमोटर की होल्डिंग कम होना शुरू हुई है। जी हाँ, कम होना शुरू हुई है, और पिछले 3 क्वार्टर की होल्डिंग सी कांस्टेंट है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। सो कंपनी के ऊपर थोड़ा ठीक ठाक सा कर्ज भी है, थोड़ा नहीं कहूंगा, ठीक ठाक सा कर्ज है। प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है 3 क्वार्टर से तो कॉन्स्टेंट है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। और चार्ट पैटर्न्स पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, और एक, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्मॉल कैप शेयर्स के लिए, मिड कैप शेयर्स के लिए, लार्ज कैप शेयर्स के लिए, और पेनी स्टॉक्स के लिए भी। सो एज पर योर इंटरेस्ट, आपके चॉइस के हिसाब से विजिट जरूर कीजिएगा। अब हम देखेंगे चार्ट पैटर्न्स पे, और 2002 में स्टॉक का भाव था ₹23, और आज स्टॉक का भाव है लगभग ₹500, और ₹500 के लेवल स्टॉक ने जो है 2007 अक्टूबर में भी छुए थे। मेरी पर्सनल राय अगर आप माने तो ये जो स्टॉक है भारतीय एयरटेल, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए है। जी हाँ, ट्रेडिंग के लिए है, तो इस बात को जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि सालों साल इन्वेस्ट करने के बाद भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बढ़िया वेल्थ इस स्टॉक ने क्रिएट करके नहीं दी है, ठीक है। अब जानने की कोशिश करते हैं आने वाले दिनों में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके पहले स्टॉक का अगर हम ट्रेंड चेक करें तो ट्रेंड जो है लो के साथ हाई को कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है गिरावट देखने मिली थी ट्रेंड में, और वो गिरावट शुरू हुई थी कब, 19 फरवरी। 19 फरवरी को स्टॉक ने अपना जो ट्रैक था उसे चेंज कर दिया, स्टॉक नीचे गिर गया। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, और वो है ये स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां स्टॉक ने पिछले साल मार्च में भी सपोर्ट लिया था, एंड स्टॉक ने अपनी यहाँ पे एक पैटर्न को जो है कंप्लीट कर दिया था, और वो था ये कर्व। स्टॉक ने बहुत बढ़िया सा कर्व यहाँ पे खत्म किया था। सो कहने का मतलब ये जो मार्च के लोस थे ना यहाँ पे, वही जो लोस थे अक्टूबर महीने में भी देखने मिले थे 395। सो जैसे मैं कह रहा था अभी, ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक तो है ही नहीं, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। सो इसे ध्यान में रखिएगा, ओके। और एक इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, आप देख सकते हैं स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, गिरावट ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया था पिछले दिनों का, और वो था ये 535। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्टॉक का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था पिछले दिनों, फिर से नीचे आ गया, फिर उछला, फिर कर्व खत्म करके स्टॉक वहीं से नीचे आ गया, और फिर से शुरुआत की, एंड फिर एक बार वहां गया सपोर्ट लेने के लिए, फिर से आने वाला था, फिर उछला, फिर नीचे। So, 535 जो है आने वाले दिनों में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है। सो 535 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 535 इसे स्टॉक ने फिलहाल तोड़ दिया है, एंड इसके नीचे हम काम कर रहे हैं। अब स्टॉक अगर गिरता है और गिरता है तो कहाँ पर गिरावट थम सकती है, और वो है यहाँ पर 480। जी हाँ, 480 के आसपास स्टॉक गिरना कम हो सकता है वॉलिटिलिटी के कारण, और स्टॉक नीचे गिरता है, जैसा हमने देखा है स्टॉक हाई से लोस की तरफ कभी भी आता ही है, पैटर्न कंप्लीट करता है तो और नीचे आता है, तो जो लेवल है ₹420। जी हाँ, यहाँ पे
आपको अगर ऐड करना है, अगर आपका मन है इन्वेस्टमेंट करने का, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, मेरे हिसाब से आप ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। तो स्टॉक यहाँ पे आ सकता है, बाउंस ले सकता है, 420 रुपीज का अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो लेवल्स है वो, और नीचे के जो लेवल्स है, नीचे के दायरे हैं वो है ये 480 और 420। गिरावट में इन लेवल के आसपास स्टॉक संभल सकता है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन लेवल के आसपास स्टॉक रुक सकता है, ठीक है, 480 और 420। अब ऊपर के लेवल, स्टॉक ऊपर 535 के ऊपर निकलेगा तब बात बनेगी, और ऊपर निकलेगा तो कहां तक जा सकता है, और जा सकता है यहां तक। सबसे पहला जो टारगेट बन सकता है आने वाले दिनों में 560 देन 590, 560 और 590 इन लेवल के आसपास स्टॉक जा सकता है, अगर 535 का रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो। और या तो फिर स्टॉक एक ही रेंज में घूमना शुरू करेगा, आपके लेवल्स टेस्ट कर, आपके जो पेशेंस है वो टेस्ट करेगा, फिर कोई पोजीशन, मतलब यू नो, किसी एक तरफ हरकत देगा, किसी एक लेवल की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। अगर पर्सनली आप मुझे पूछे तो भारतीय एयरटेल में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका स्टॉक से दूर रहिए, उसका उसका जो सिम कार्ड है वो यूज कीजिए, इंटरनेट बहुत ही बढ़िया है इनका, ठीक है। तो स्टॉक से दूर रहिए, बहुत ही बढ़िया सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है इसके भी अलावा, बट फिर भी आपको मन है इन्वेस्ट करने का है, ट्रेडिंग करने का, तो लेवल्स आपके सामने है, ऊपर की तरफ के भी, नीचे की तरफ के भी, और सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पे स्टॉक में गिरावट होती है, जहां पर रुक सकता है, वो भी लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पूरी कोशिश होती है कि कम से कम समय आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि आपको डिसीजन लेने में सारा ही नॉलेज हो और डिसीजन लेने में आसानी हो। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी शेयर के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो उस शेयर का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।